नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग यहां पर जानते होंगे कि आज का हमारा जो टॉपिक है भारत का संवैधानिक इतिहास। हर रोज रात 8 बजे 15 मिनट का शो देखना ना भूलिएगा, सिर्फ और सिर्फ बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज चैनल पर। तो आज हम लोग दोस्तों एक ऑल इंडिया लेवल का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आने वाले सभी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, भारत का संवैधानिक इतिहास। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए तो आज का सबसे पहला सवाल आप लोगों से क्या कह रहा है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के समय के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता में कौन सा प्रावधान था, बताओ। तो जो पूना समझौता हुआ था दोस्तों, इस पूना समझौता में कौन सा प्रावधान किया गया था यह आपको बताना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर डी। तो इसका राइट आंसर होगा, इसमें इन्होंने कहा था कि निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का, तो निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का इसमें जो है समझौता किया गया था। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला सवाल क्या है, यहां पर आपको लिस्ट वन दे रखी है, लिस्ट टू दे रखी है। लिस्ट वन में आपके जैसे कि विभाजन हो गए, सूरत विभाजन, सांप्रदायिक अधिनिर्णय, सर्वदलीय सम्मेलन, पूर्ण स्वराज का संकल्प, ये कब कब कार्य किए गए, तो इनको टाइम से मिलाना है। तो सबसे पहले बात करेंगे सूरत विभाजन की। सूरत, ये जो सूरत विभाजन दे रखा है दोस्तों यहाँ पर, ये आपका 1907 हो जाएगा, तो पहले का चौथा हो जाएगा क्योंकि तलाक हुआ था 1907 में सूरत विभाजन में, आपको पता होगा। फिर है सांप्रदायिक अधिनिर्णय, सांप्रदायिक अधिनिर्णय आप लोगों का होता 1932 में, 1932 हो गया। उसके बाद है सर्वदलीय सम्मेलन, सर्वदलीय सम्मेलन आपका हुआ था 1928 में। और फिर उसके बाद अगर मैं बात करूंगा पूर्ण स्वराज का संकल्प, पूर्ण स्वराज का संकल्प आया था 1929 में। तो अगर आप में से किसी भी बालक का आंसर आ रहा है बी, बिल्कुल राइट है, हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, परफेक्ट आंसर हो जाएगा, बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, कौन से अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, ए, बी, सी या फिर डी। अगर आपका आंसर आ रहा है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, तो बिल्कुल राइट है। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861, इस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लिस्ट वन को लिस्ट टू से सुमेलित कीजिए और बताइए सही उत्तर क्या होगा। जैसे कि मैंने कुछ महान कार्य लिए हैं, जैसे अगस्त घोषणा, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त संकल्प और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, तो इनका संबंध जो है किससे है बताइए। जैसे कि अगस्त घोषणा है, ये किसने की थी दोस्तों, अगस्त घोषणा का संबंध है लॉर्ड मॉन्टेग्यू से, तो पहले का आंसर दूसरा हो जाएगा, याद रखा है। उसके बाद है अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव का संबंध है लिन लिथगो से संबंध है। अगस्त संकल्प का संबंध है महात्मा गांधी से, अगस्त संकल्प। और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस ये जिन्ना से संबंधित है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस इसका संबंध है मोहम्मद अली जिन्ना से। यानी कि अगर आप लोगों में से क्लास में किसी भी बच्चे का आंसर ए आ रहा है तो बिल्कुल परफेक्ट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर रेगुलेटिंग एक्ट, क्या आपको बता दोस्तों यहाँ पर रेगुलेटिंग एक्ट जो है कब पारित किया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट जो है आपका 1773 ईस्वी में पारित किया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट जो है आप लोगों का 1773 में, ओके ना। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1773 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला, क्या आपको बताया दोस्तों भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। तो हमारा यहां से परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी है 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। तो जिस बच्चे का आंसर आ रहा है 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, बिल्कुल राइट है। क्या आपको बताया दोस्तों महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया, तो महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी 1858 ईस्वी में घोषित किया गया था। चलिए इसके बाद आप लोग मुझे बताइए, सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था, तो बताओ निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा भी किया। देखो तो वादे तो बहुत किए दोस्तों,
लेकिन पूरा जो किया था वो किया था कि देसी रजवाड़ों की यथा स्थिति बनाए रखी जाएगी, ये इन्होंने वादा पूरा भी किया था। तो विक्टोरिया ने 1858 में जो बहुत सारी घोषणाएं की थी कि मैं ये करूंगा, सबको जो है सबके लिए दोस्तों यहाँ पर ये मिलेगा, वो मिलेगा, ऐसा होगा वैसा होगा, तो इन सारे वादों में से सिर्फ एक वादा जो है ये पूरा किया था कि देसी रजवाड़ों की जो यथा स्थिति जो है भारत में वैसे ही बनी रहेगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा क्या है मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? तो मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली। अगर आप में से किसी बच्चे का आंसर आ रहा है ए, बिल्कुल राइट है, पृथक निर्वाचन प्रणाली। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा क्या है मार्ले मिंटो सुधार बिल कब पारित किया गया? तो मार्ले मिंटो सुधार बिल जो है ये मेरा 1909 में पारित किया गया था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1909। क्लास अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही क्लासेस को पाने के लिए, टॉपिक वाइज क्लासेस को पाने के लिए आज ही अपने चैनल BSA गवर्नमेंट जॉब न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पे प्रेस जरूर कीजिएगा। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल स्टार्टिंग में किसके द्वारा लाया गया था? तो ये लाया गया था मार्ले मिंटो सुधार 1909 के तहत। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो 1909 के काउंसिल एक्ट में जो व्यवस्था की गई थी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था? चलिए बताइए। तो सही जवाब होगा प्रांतों में दोहरा शासन। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था, आप मुझे बताइए निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? तुम्हारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड एमरिया नहीं था। कौन कौन थे? पैथिक लॉरेंस, एलवी अलेक्जेंडर, स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये तीनों तो आपके कैबिनेट मिशन के 3ों मंत्रियों में शामिल थे, लेकिन लॉर्ड एमरी जो था इसका मेंबर नहीं था। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सी बात गलत है? चलिए बताइए, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सी बात गलत है? देखो, इसमें प्रोविंशियल ग्रुपिंग यानी कि प्रांतीय समूहीकरण की बात कही गई थी। इसके अलावा भारतीय सदस्यों वाला एक अंतरिम मंत्रिमंडल होगा, संविधान निर्माण का अधिकार होगा, बट इस टाइम पर पाकिस्तान की स्वीकृति को लेकर कोई भी वार्तालाप नहीं किया गया, ठीक है ना? तो जिस भी बच्चे का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल राइट है, सही जवाब हो जाएगा सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला सवाल आपके सामने है, इसको देखिए। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? तुम्हारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा 1935 के भारत सरकार अधिनियम के मुताबिक। समझ में आ रही बात? तो 1935 भारत सरकार अधिनियम से बहुत सारे हम लोगों ने एक्ट को लिया भी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारतीय को साल 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी गई? तो दोस्तों, भारतीयों को सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना को माउंटबेटन योजना कहा जाता है। तो जिसका भी आंसर आ रहा है माउंटबेटन योजना आ रहा है, बिल्कुल राइट है। ओके, आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला सवाल आपके सामने है। कौन सा सुमेलित नहीं है? मार्ले मिंटो सुधार, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, भारत सरकार अधिनियम 1935, स्वशासन, ठीक ना? फिर है कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन, साइमन कमीशन, भारत विभाजन नहीं है। साइमन कमीशन भारत विभाजन नहीं है दोस्तों यहां पर, तो बाकी सारे राइट हैं, डी वाला पॉइंट गलत है। एक तरफ लिस्ट वन है और एक तरफ लिस्ट टू है, लिस्ट वन को लिस्ट टू से मिलाइए, और ये नीचे आपको 4 ऑप्शन यहां पर दे रखे होंगे। चलिए बताइए, सबसे पहला दोस्तों यहां पर पॉइंट है नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1919। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 में दोस्तों यहां पर कौन सी बात करी गई थी? तो नंबर 3 पर आपका है प्रांतों में द्वैध शासन। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत प्रांतों में द्वैध शासन की बात करी गई, तो पहले का आंसर तीसरा आ जाएगा, जैसे कि बी वाले में दे रखा है। इसके बाद है नंबर बी है, भारत सरकार अधिनियम 1935। 1935 का संबंध है प्रांतीय स्वायत्तता से है। इसके बाद दोस्तों आपका सी नंबर का दे रखा है मिंटो मार्ले सुधार 1909, इसका संबंध किससे है? मार्ले मिंटो सुधार 1909, इसका जो संबंध है दोस्तों यहां पर किससे है? नंबर 4 आपको दे रखा है सांप्रदायिक निर्वाचन से।
फिर डी वाला देखो, भारत परिषद अधिनियम 1861, तो इसका संबंध है सती प्रथा का अंत है। और ई है अधिनियम 1858, इसमें जो है आप लोगों का ब्रिटिश शासन शक्ति में आया था। तो जिसका भी आंसर आ रहा है बी आ रहा है, तो बिल्कुल राइट है, सही जवाब हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था किस एक्ट के द्वारा। तो अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का जो प्रावधान है, ये भारत सरकार अधिनियम 1935 में जो है इसको यहां पर शामिल किया गया। क्लियर है दोस्तों, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे, निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया। तो केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया, तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। हमारा सही जवाब हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। आपको पता होगा दोस्तों, आपके एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है ना। ये हम नहीं दोस्तों, ये आप खुद बताओगे जब आपका एग्जाम होगा। तो संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम किसके द्वारा किया गया था। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। तो प्रांतीय स्वायत्तता जो है इसका संबंध है 1935 से, प्रांतीय स्वायत्तता जो है इसका संबंध 1935 से है। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था, क्या आपको पता है दोस्तों। भारत में आप लोगों का जो सचिव का पद है ये किसके द्वारा निर्मित किया गया था, तो ये अधिनियम था भारत सरकार अधिनियम 1858। हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बीआर अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते का प्रावधान क्या था। तो इसमें इन्होंने जो है एक चीज साफ करी थी दोस्तों, आप लोगों को यहां पर पता होना चाहिए। अगर मैं यहां पर बात करूंगा तो जितने भी ये जो अधिनियम है आपके, ये सारे आप लोगों को पता होने चाहिए, ठीक है ना। तो हरिजनों के लिए इन्होंने कहा था आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। फिर बताइए दोस्तों, किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। अभी मैंने बताया भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत। रेगुलेटिंग एक्ट जो है आपका पारित किया गया था, मैंने अभी पढ़ा है दोस्तों यहां पर 1773 ईस्वी में। फिर है भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी सहमति के निर्णय को स्वीकार करने का अधिकार मिला है, तो ये मिला था आपका 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। क्लियर है। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब घोषित किया गया, 1858 ईस्वी में किया गया था। महारानी विक्टोरिया ने 1858 में घोषणा की बहुत सारी चीजों का, ये मैंने आपको करा दिया लगभग। तो इसमें था कि देशी रजवाड़ों की स्थिति जो है वैसी रहेगी, मतलब लगभग लगभग अब सारे क्वेश्चन वही हैं जो मैंने आपको पढ़ाए, जैसे प्रांतीय पार्लियामेंट हो गया, ठीक ना। कब आया दोस्तों आपका मुसलमानों के लिए एक निर्वाचन मंडल की बात करेंगे, चलो इसका जवाब दो यहाँ पर कि मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था, तो ये लाया गया था मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा, ठीक है ना। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस व्यवस्था की बात की गई थी, तो इसमें कौन सी व्यवस्था थी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था, तो ये आपका है प्रांतों में दोहरा शासन, ठीक है ना। तो अब लगभग सेम क्वेश्चन है, इसकी पीडीएफ फाइल मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करा दूंगा। तो उम्मीद करता हूं मेरे भाइयों, आज का जो आप लोगों का सेशन है, ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। मिलते हैं आप लोगों से फिर कल रात 8 बजे 15 मिनट शो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।